तो चले फिर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात भी कर लेते हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में देखें तो कम उम्र तरीन वाइस प्रेसिडेंट कासिम मलिक साहब भी हैं। जी हाँ, कासिम मलिक ने सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को दुबई एक्सपो 2020 में दुनिया के सामने रखा। उनको बुलाते हैं, शायद ही वो आपको बता सके कि सियालकोट में क्या खास बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया 5G ग्रुप का, उस्मान खान साहब का, मास डेवलपर्स का और मेरे दोस्त फैजुल हक साहब का सियालकोट रियल इस्टेट से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शाम सजाई आपने हमारे प्यारे शहर सियालकोट में। जब सियालकोट की बात करते हैं, अल्लाह ताला के फजल व करम से ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन शहर है। अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ के शहरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। सियालकोट 2.5 से 3 बिलियन $ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रेवेन्यू में हर साल जनरेट करता है, which is equivalent to 10% of Pakistan's total exports. ये एजाज सियालकोट का है। सियालकोट के लोग पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लोगों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये रात को ख्वाब देखते हैं और सुबह उसकी जस्तजू में निकल पड़ते हैं, उस पर काम करते हैं। और इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे सियालकोट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सियालकोट ड्राई पोर्ट, सियालकोट की अपनी एयरलाइन, अल्लाह ताला के फजल करम से इंटरनेशनल अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पे भी कामयाब कर रहा है। तो जैसा कि आपने कहा, मेड इन सियालकोट, मेड इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी शहर में बनाया जाता है। और इसके अलावा 150 से ज़ायद इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं वो सियालकोट की मसनूआत इम्पोर्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 5G ग्रुप और मास डेवलपर्स ये सियालकोट के मिजाज के मुताबिक इनको प्रोडक्ट दें। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, सियालकोट के लोगों को आपने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हर जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और हर जगह से पाकिस्तान का हर जगह झंडा बुलंद करते हैं जाकर। इनको बहुत पहचान है। जिन बारीकियों में ये अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं और दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स को माल देते हैं, तो जाहिर है अपनी लिविंग पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मास डेवलपर्स और 5G, मैंने जैसे टीम से भी मिला और ये भी यंग लोग हैं और ये ज़माना भी यंग लोगों का है। इस मुल्क में तब्दीली ही तब आएगी जब यंग लोग आगे आएंगे, क्योंकि हमारे पास वो आइडियाज़ हैं जो आजकल जो जिद्दत है दौर की, जो टेक्नोलॉजी है वो हमें पता है। हम चाहते हैं हमारे बुजुर्ग हमारे पे साया रखें अपने हाथ का और हम आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हमें मजीद कामयाब करे। और आई विश ऑल द बेस्ट टू 5G। 5G जैसे कि आजकल 3G 4G 5G का दौर है और 5G शायद बेहतरीन है सबसे। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और ये हमारे लिए भी बायसे फख्र और बायसे रहमत प्रोजेक्ट साबित हो। शुक्रिया।